राजपत्र टीवी, आपके खबर हमारी नजर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय अर्चना मिश्रा जी का, जो प्रदेश की महामंत्री हैं, प्रदेश की मंत्री हैं, आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी का जो लखनऊ की महापौर हैं, आदरणीय श्रीमती अदिति सिंह जी का जो विधायिका हैं रायबरेली से, श्रीमती प्रियंका मौर्य जी का जिन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है अभी, आदरणीय श्री गोविंद शुक्ला जी का जो प्रदेश महामंत्री हैं, और आदरणीय श्री मनीष दीक्षित जी जो मीडिया के प्रभारी हैं, और सीता नेगी जी का भी जिन्होंने मेरा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पार्टी का हिस्सा बनने का एक मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे उस दिन भी जिस दिन मैंने ज्वाइन करी थी पार्टी, मैं आज भी वही बात कहना चाहती हूँ कि मैंने इस पार्टी को राष्ट्रवाद की वजह से चुना है। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज संयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा दिन है। मैं कहना चाहती हूँ इस बात को कि विचार आगे चलता है और उसके पीछे मनुष्य चलता है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मनुष्य तो नश्वर है मगर विचार कभी मरता नहीं। शंकराचार्य जी ने ये बात बोली कि जब बहुत द्वंद, बहुत भीषणता, ऐसा एक समय आ जाए जब आपका मन स्थिर ना हो, आपका समाज स्थिर ना हो, तो क्या दिशा दे सकता है, किम औषधि, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया विचार औषधि। और मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कारों को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले, और मैं फिर से अपने इस भाजपा प्रदेश कार्यालय का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इतना वार्म वेलकम दिया। आप सभी मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और फिर से ये बात कहूंगी कि हम सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए, तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। जय हिंद, जय भारत।